बात चाहे भ्रष्टाचार की हो या फिर अपराध या फिर सरकारी महकमे की, पहुंचाएंगे आप तक हर खबर। जनपद लखनऊ के गोमती नगर थाना क्षेत्र में लखनऊ एसएसपी करानिधि नैत थानी में रात में टूरिस्ट मोबाइल गाड़ी चलाकर उन्होंने सुरक्षा का लिया जायजा और मीडिया को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि यहां पर काफी आला अधिकारी एडिशनल एसपी सीओ थानेदार और मोबाइल वैन के तमाम ऐसे पुलिस वालों को बुलाया गया, उनको जानकारी दी जाएगी कि रात में शीतकालीन समय पर किस तरीके से गाड़ी चलाई जाती है, गाड़ी ड्यूटी लगाई जाती है और गली मोहल्लों में हुटर बजाने से पहले किस तरीके से किया जाएगा, गली में घुसने के पहले और गली में मुड़ने के बाद हुटर बजाया जाता है, ये जानकारी लखनऊ एसएसपी दिया। ये थी लखनऊ जिला ब्यूरो विशिष्ट चौबे की खास रिपोर्ट। इसके अलावा निरंतर जो फ्लैशर होती हैं मोबाइल्स की, ये जलती रहे रात में ताकि लोगों को पुलिस प्रेजेंस का एहसास हो, हुटर से हो चाहे आपके फ्लैशर से हो, बैरियर जो बैरिकेडिंग्स होती हैं उन पर रिफ्लेक्टिंग स्ट्रिप्स भी लगे रहें, जगह जगह पर बैरियर्स लगे रहें जिससे पुलिस दिखाई पड़े। और इसके अलावा लोगों को ये फैसिलिटेट करें सभी कि पूरी रात्रि में भी वो कहीं भी आ जा सकते हैं, हम लोग उनकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर तैयार हैं। अभी तो इसके कि लोग रात में अनावश्यक लोगों को कहीं से भगा दें ये कह के सुरक्षा की दृष्टि से, तो एक एटीट्यूडनल चेंज लाने की ज़रूरत है जिसके बारे में सबको बताया गया कि लोगों में विश्वास जगाएँ कि वो रात्रि में कहीं भी आ जा सकते हैं। इसके अलावा जो चेकिंग का तरीका होना चाहिए, जो टोका टाकी रात्रि में होती है, वो बहुत ही भद्र तरीके से वेरी गुड बिहेवियर के साथ लोगों से ये कह